पाकिस्तान एयर स्पेस से उड़ान भरते हुए जॉर्जिया का एक कार्गो विमान निर्धारित उड़ान पथ से भटकते हुए गलत तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया। इस पर भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों ने इस विमान को घेरते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई। इस विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को घेर कर रखा गया है और विमान के पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जॉर्जिया का एक विमान पाकिस्तान एयर स्पेस से उड़ान भरता है और भारत में नियमों का उल्लंघन करते हुए गलत दिशा में जाता है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वायुसेना के दो विमान इस विमान को घेरते हैं और जयपुर में इस विमान की लैंडिंग करवाई जाती है और अब फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ की जा रही है। विमान को घेरा गया है, सुरक्षा के लिहाज से बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पाकिस्तान के एयर स्पेस से दिल्ली के लिए इस विमान ने उड़ान भरी थी। कार्गो विमान है, मालवाहक विमान को जयपुर में लैंड करवाया गया है। वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों ने इसको घेरा और घेर कर एस्कॉर्ट करते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर इस विमान को लैंडिंग करवाई गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर जॉर्जिया के विमान को लैंडिंग करवाई गई है। वायुसेना के दो विमानों ने इस विमान की घेराबंदी की, नियमों का उल्लंघन करते हुए इस विमान को पाया गया, जिसके बाद वायुसेना ने एक्शन लिया और एक्शन लेकर के जयपुर में इस विमान की लैंडिंग करवाई गई है। आपको बता दें कि जॉर्जिया का कार्गो विमान था और पाकिस्तान के एयरबेस से इसने उड़ान भरी थी। भारतीय सीमा में नियमों का उल्लंघन इस विमान ने किया, जिसके बाद वायुसेना के दो विमानों ने इस विमान को घेर लिया और जयपुर के एयरपोर्ट पर इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान को लैंड करने के बाद सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने इस विमान को घेर लिया। विमान के पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ की जा रही है, आखिर क्या मामला है, किस वजह से नियमों का उल्लंघन किया गया।